तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपको सीयूटी पीजी 2023 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इट मीन्स कि जो ड्यूल एलबी 2023 का एग्जाम होगा वो सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग होगा, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इन डिटेल करेंगे किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सा बुक आपको रेफर करना है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस बार का पेपर होगा उसका नाम है COQP 11, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पेपर कोड है ये, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो इसी पेपर कोड पे आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करते टाइम पे, और सामने लिखा होगा LLB, ठीक है। और ये सेम पेपर कोड है हर एक LLB एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये देखे कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग है, मोर और लेस तो सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, जो सिलेबस है, वो सारे LLB एग्जामिनेशन के लिए सेम है, तो ठीक है। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो BHU के लोग हैं या बाकी PU के लोग हैं उनका सिलेबस अलग है, सिलेबस सेम ही है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ग्रेजुएशन में आपके पास या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री हो, कोई भी, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें। जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS से हैं, 45% मार्क्स होना चाहिए, जो कि OBC कैटेगरी के हैं, CW, PWD, ठीक है। और 40% मार्क्स चाहिए जो कि SC और ST कैटेगरी के लोग हैं। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है DU के लिए, बाकी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके NT की वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लेना, अब जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो जाके। अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट जो है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, यानी कि इंग्लिश, ठीक है। सेकेंड है जनरल नॉलेज, थर्ड है कंप्यूटर, एंड फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैथ्स के लिए अगर होता तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है। इट मीन्स कि मैथ्स को आपको उतना ध्यान नहीं देना है मैथ्स पे, मैथ्स के काफी कम क्वेश्चन होंगे, अगर होंगे भी तो जो मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ यहाँ देखो लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पे पूरा टाइम दे रहे हो, मैथ्स देखो आ सकता है, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनका पैटर्न क्या होगा, लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे देखो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग मेंशन किया हुआ है। डिफरेंस होता है मैथ्स के क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन में। मैथ्स के क्वेश्चन को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन को लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेंशन है वो लॉजिकल रीजनिंग मेंशन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो अप्रोच की बात अगर करूं तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है मैं उस पर बात करता हूं, GK सेक्शन आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। दूसरे पे बात करूंगा मैं बात करूंगा आपसे हम लोग कि इंग्लिश आपको कैसे कवर करना है, ठीक है, किस बुक रेफरेंस बताऊंगा। थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है, कंप्यूटर कैसे कवर करना है आपको, कंप्यूटर आप कहां से कर सकते हो, ठीक है, बुक्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। फोर्थ जो होगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग, यही जो है बेसिकली हमारा सिलेबस है, ठीक है। आपको इसको किस तरीके से करना, कौन सा बुक रेफर करना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट में बात करता हूं अगर सबसे पहले GK, तो GK है क्या पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो GK जो है ना हमारा, देखो GK में ही सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। GK में ही आपका आएगा हिस्ट्री जो है GK का ही पार्ट है, ठीक है। GK में ही आपका आएगा ज्योग्राफी, GK में ही आपका इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, GK में ही आपका साइंस भी है, GK में ही साइंस भी है, और बाकी स्टैटिक जीके भी इसमें लगा दो, मिसलेनियस जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है, ये GK सेक्शन का इंग्रेडिएंट्स है। सबसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन GK को आपके GK सेक्शन में कैरी होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये LLB का एग्जाम है। कोई भी एग्जामिनेशन जो लॉ एंट्रेंस हो या फिर कहीं पे भी जाओ जहां पे लॉ रिलेटेड एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे उस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है जिससे रिलेटेड आप आगे पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका 6 to 7 क्वेश्चंस जो होगा, अगर 25 क्वेश्चंस आता है 25 क्वेश्चन, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो होगा आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा या पॉलिटी से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे देना है। सेकंड बात करते हैं हिस्ट्री पे, हिस्ट्री से कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज करूँ, प्रीवियस ईयर किसका, सीयूटी का प्रीवियस ईयर देखो या फिर बीएचयू का प्रीवियस ईयर देखो, तो सीयूटी का जो पैटर्न है और बीएचयू का पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर है अगर आप पिछले साल से पहले की देखो तो। तो वहाँ पे हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन प्रीवियस को एनालाइज करो तो यहाँ पे रिवर्स के ऊपर पूछा जा रहा है, ठीक है, डैम्स के ऊपर पूछा जा रहा है, कौन से स्टेट में कौन सा डैम है, ठीक है, माउंटेन पासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से। इट मीन्स कि इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज जो है ज़्यादा होने वाला है, तो आपको इसी पे फोकस करना है। इकोनॉमिक्स में जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका पता, GDP क्या होता है, ठीक है, GNP क्या है, बजट क्या है, ठीक है, रुपीज़ क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन सबसे सवाल हो सकते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। साइंस में, ठीक है, जनरल साइंस आपका पूछा जाएगा, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बेसिक, जैसे न्यूटन्स के लॉज पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी में जैसे हो सकता है आपको किसी डिजीज़, कौन से डिजीज़ किस बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को देखो तो, ठीक है। स्टैटिक जीके में अगर मैं बात करता हूं, तो आपको यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये सब जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहाँ से आ सकता है। और इसी में जैसे कमीशन कमेटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर सकते हो या इसमें स्टैटिक जीके में कर सकते हो, वहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को देखो तो, ठीक है। तो बुक बता दूं जीके के लिए, बुक कौन सा आपको यूज़ करना है, तो जीके के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, ऑल इन वन कह लो उसको, तो वह है बुक, अगर मैं आप लिखता हूँ, मैं जो बुक आपको रेफर करना है वो है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, जीके की, उसमें आपको जीके भी मिलेगा, ये सब कुछ दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर वाला सेगमेंट जो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये भी आपको लूसेंट में मिलेगा, ठीक है। तो 2 सेक्शन तो आपको इस बुक से कवर हो जाएगा, अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, और उसके बाद इसी बुक का एक MCQ बुक भी आता है, ठीक है, MCQ। लूसेंट एक सब्जेक्टिव है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब दिया रहेगा, और एक MCQ की बुक आती है लूसेंट की, ठीक है। आप इससे पढ़े, मान के चलो एक बुक से पढ़, आपने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया, तो दूसरे वाले बुक से क्या करो कि उसका MCQ लगा लो, ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री वहां से पढ़ा, तो हिस्ट्री के MCQ लगा लो, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको याद रहे आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर आप यहां से करो लूसेंट से, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस लूसेंट वाले MCQ से आप लगा लो। तो लूसेंट की 2 बुक हो गई ना, एक जहां से आप पढ़ोगे सब्जेक्टिव, और एक जहां से ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बुक आती है और एक सब्जेक्टिव। तो ये 2 सेक्शन तो आपका हो जाएगा लूसेंट से ही, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश आपको कैसे कवर करना है, इंग्लिश में पूछा क्या क्या जाता है, इसको हम समझते हैं पहले। तो अगर इंग्लिश के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो पैसेज होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, वो है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, जैसे स्पॉटिंग द एरर हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब ग्रामर के पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से सवाल आते हैं, वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ सकते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, ये सब सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप देखो तो इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ सकता है, तो इस तरीके से। लेकिन जो ग्रामर है ना सबसे, देखो बाकी जनरल चीजें होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इजिली कर लोगे, ठीक है, ईडियम्स वजह से आप प्रैक्टिस करके जाओ,
ठीक है, अगर 400-500 प्रैक्टिस करके जाते हो, प्रैक्टिस करके किसी बुक से, तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, वोकैबुलरी देखो एक दो दिन में पॉसिबल ही नहीं है, आप प्रैक्टिस करो जितना भी टाइम आपके पास है तो कर लोगे। लेकिन जो श्योर शॉट है, जहां आप कॉन्सेप्ट, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो है ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन की वजह से आप फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा ना एग्जामिनेशन में आपका, उसको भी आप इजिली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन कंजंक्शन के बेसिस पे आता है, तो आप इजिली ग्रामर सेक्शन से कर लोगे। तो आपको ग्रामर करना कैसा है, इस पे हम मैं बात करता हूं। तो ग्रामर के लिए एसपी बख्शी की बुक आती है, एसपी बख्शी की बुक आती है, जनरल इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे एसएससी वगैरह के लिए जो बुक है अवेलेबल मार्केट में, उससे आप कर सकते हो इजिली। और प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना आपको हेल्प मिलेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए बुक बता दी एसपी बख्शी, या कोई भी आप जनरल कॉम्पिटिशन के लिए जो भी बुक मार्केट में, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जीके सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, जहां पे कॉन्सेप्ट का यूज होता है। सबसे पहले फर्स्ट है सिलोलिज्म, ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, एंड थर्ड आता है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट। तो इन सब जो, ये सब जो टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। और बुक इसके बारे में बता दूं मैं, अगर लॉजिकल रीजनिंग, तो आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग करके, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, कोई भी रीजनिंग, देखो रीजनिंग जो है ना आप इजिली कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर भी उठाओ उससे प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस जैसे कि सिलोलिज्म है, इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे वेन डायग्राम से बनता है कभी कभी, ठीक है, इसका ट्रिक्स भी होता है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो जाकर देख लो, काफी वीडियोस हैं, किसी भी टीचर्स का देख लो, तो वहां से जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, वहां भी कॉन्सेप्ट का यूज थोड़ा बहुत होता है कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है, लोग किसके बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इजिली कर लोगे और जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। तो कुछ ही ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, तो आप ये सब चीज कर लोगे। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका जीके है। जीके देखो, जो जीके में जिसने स्कोर कर लिया, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन क्लियर है। तो बुक लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से अप्रोच रखना है बता दिया। हाँ, लास्ट में मैथ्स, देखो मैथ्स आपको कोई बुक रेफर मत करो जो प्रीवियस ईयर में मैथ्स आया हुआ है, ठीक है, उसके टॉपिक को नोट डाउन करो, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप वीडियो के थ्रू देख के खत्म करो, क्योंकि सिलेबस में मैथ्स नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग मेंशन है, ये लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, और मैथ्स छोड़ के मत जाओ। मैथ्स मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से बस करके चले जाओ, ताकि अगर क्वेश्चंस आ भी जाए दो चार, तो आप टैकल कर पाओ एग्जामिनेशन में। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।